Hello students, today we will start with our new chapter regarding the third class and this chapter is related with your EVS subject and the name of the chapter is the plant fairy. कल हमने जो previous lecture पढ़ा था, class third का ही पढ़ा था हमने और EVS subject का पढ़ा था जिसमें हमने first chapter किया था पूनम्स डे आउट और सेकेंड चैप्टर हम करेंगे थर्ड क्लास का एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द प्लांट्स फेरी. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटे हाउ डू यू थिंक चैप्टर ऑफ द थर्ड क्लास कैन टीच स्टूडेंट्स अबाउट द वैराइटीज ऑफ ट्रीज. आप अपने अराउंड में, आप अपने सराउंडिंग में, आप अपने एनवायरमेंट में वैराइटीज ऑफ ट्रीज को देखते हैं एंड ऑल द ट्रीज दे आर नॉट ऑफ द सेम साइज. सम आर बिग, सम आर स्मॉल एंड एज वेल एज ऑल द लीव्स ऑफ द प्लांट्स दे आर नॉट ऑफ द सेम साइज. सम आर वेरी बिग एंड सम आर वेरी स्मॉल. Since the chapter is from the environmental science, that is your chapter number 2 and the name of the chapter is Plants Fairy. Of class 3rd, EVS will be in need of students something about nature and this time the kids collect different shapes and sizes of the leaves. So in this chapter, the kids, they collect the different types of the leaves as well as different shapes of the leaves as well as different sizes of the leaves. That means the leaves are of different shapes and different sizes and we will discuss the names of such tree that is related in this chapter and the name of the chapter is Plants Fairy. इसी के बारे में हम डिटेल से आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. Now let us start with our chapter for class 3rd, that is EVS, and the name of the chapter is Plants Fairy. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. पिछले एतवार हम कहाँ पर गए? हम एक बागीचे में गए in the neighborhood. जो कि बागीचा कहाँ पर था? हमारे पड़ोस में था. We played hide and seek. वहां पर जो वहां गेम खेली गई या वहां पर जो खेल खेला गया उस खेल का जो नाम था वो था hide and seek. Hide and seek का मतलब जब हम बचपन में छोटे छोटे थे, आप भी छोटे हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर इस गेम को बहुत शौक के साथ खेलते हैं hide and seek का, जिसका मतलब है छुपन छुपाई. And अंताक्षरी, we had a lot of fun. वहां पर हम बहुत मस्ती करते हैं. We had a lot of fun. After some time, दीदी said, कुछ समय बाद दीदी ने कहा, let us play a new game today. छुपन छुपाई, अंताक्षरी, ये एक नॉर्मल गेम्स है जिनको कि हर कोई अपने बचपन में खेलता है. इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है जिसका नाम है दीदी. तो दीदी जो थी उन्होंने क्या कहा कि लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. आज क्यों ना हम एक नई गेम खेले या हम आज एक नया खेल खेले. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. ये गेम हमने लास्ट ईयर या पिछले साल अपने कैंप में खेली थी. I will become a plant fairy. और उस खेल में मैंने जो किरदार या जो मेरे करेक्टर वहां पर निभाया था, जो रोल वहां पर निभाया था, वो मैंने रोल निभाया था एक प्लांट फेरी का. द प्लांट फेरी विल कॉल आउट नेम ऑफ समथिंग एंड यू विल हैव टू टच इट. अब इस गेम का जो मेन रूल था वो रूल क्या था कि इस गेम में जो प्लांट फेरी होगी वो क्या कहेगी, वो किसी भी चीज का नेम लेने के लिए कहेगी, नेम ऑफ समथिंग एंड यू विल हैव टू टच इट. जिस चीज का वो नाम लेगी प्लांट फेरी, उस चीज को जो होगा वो जो खेलने वाले बच्चे होंगे वो उसको टच करेंगे. द गेम बिगिन, खेल शुरू हो गया. दीदी से, दीदी ने क्या कहा, द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. प्लांट फेरी ने क्या कहा कि आप सबको जो है प्लांट्स को टच करना है. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द प्लांट, और उसी दौरान सभी बच्चे जो है वो किसकी तरफ भागे, वो प्लांट्स की तरफ भागे. तो यहां पर आप देख सकते हैं बेटे, शी इज दीदी, दैट इज सिटिंग ऑन द ग्रास एंड अम्मू हेल्ड द मेरीगोल्ड प्लांट. ये मेरीगोल्ड प्लांट्स हैं जिनको अम्मू जो है वो हेल्ड कर रही है इन
मैरीगोल्ड प्लांट्स को. शबनम सेड टचिंग अ जास्मिन प्लांट, ये जास्मिन प्लांट्स हैं जिनको कि शबनम जो है वो टच कर रही है. एंड दयाराम, ही इज अ दयाराम, गॉट होल्ड ऑफ ए नीम ट्री एंड स्टूड हियर. वो नीम ट्री के पास खड़ा है और नीम ट्री को होल्ड कर रहा है. ही इज अ माइकल एंड माइकल टच मेहंदी बुश. माइकल जो है वो किस चीज को टच कर रहा है, बुश को टच कर रहा है. नेक्स्ट दीदी सेड वेरी गुड. दीदी ने क्या कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे. ये किसने कहा, ये दीदी ने कहा वेरी गुड. एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट, जितने भी बच्चे वहां पर खेल रहे थे सभी बच्चों ने जो है वो पौधों को टच किया. बट यू हैव नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब आप सभी बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को टच किया, और जब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को टच किया तो आपने क्या जज किया वहां पर, कि सभी जो प्लांट्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के थे, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के थे. नो प्लांट्स दे आर अलाइक विद ईच अदर. कोई ऐसा प्लांट नहीं था जो कि शेप में भी सेम था और साइज में भी सेम था. दैट मीन्स ऑल द प्लांट्स दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. यहाँ पर एक क्वेश्चन ही रेज किया उन्होंने, क्या आप उस प्लांट का नाम बता सकते हैं जहां पर दीदी बैठी हुई थी. कैन यू नेम द प्लांट वेयर द दीदी वॉज सिटिंग. द गेम स्टार्टेड अगेन. सेकेंड राउंड शुरू हो गया है, गेम दोबारा से शुरू हो गई है. द प्लांट फेरी नाउ सेड. उसके बाद प्लांट फेरी ने क्या कहा बेटे, टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. आपको उस प्लांट को टच करना है जिसका जो ट्रंक है आइदर या तो बहुत थिक है या फिर बहुत थिन है. सो दिस इज द ट्रंक ऑफ द ट्री. जो कि यहां पर आप जज करेंगे तो वो क्या है, यहां पर जो ट्रंक है वो क्या है, काफी थिक है. दिस इज द ट्रंक दैट इज वेरी थिक. और यहां पर जो ट्रंक है प्लांट का दैट इज वेरी थिन, यहां पर काफी थिन है. The children ran again to touch the trees. बच्चे दोबारा से जो है वो ट्रीज को, प्लांट्स को टच करने के लिए जाते हैं. With a thick or thin trunks, जहां पर थिन ट्रंक है उसको भी बच्चे टच करते हैं और जो थिक ट्रंक है उसको भी बच्चे टच करते हैं. That is to be shown in the picture. यहां पर आप shown हो रहा है पिक्चर में कि कुछ बच्चे जो है जो कि काफी थिक ट्रंक को जो है वो टच कर रहे हैं, और एक बच्चा यहां पर ऐसा है जो कि थिन ट्रंक को जो वो टच कर रहा है. माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. इस दौरान उस गेम को खेलते हुए जो उसमें एक करेक्टर था जिसका नाम था माइकल, तो माइकल जो था उसको ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत अच्छी लगी उसको ये गेम. ही थॉट, उसने क्या कहा, ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज. उसने कहा कि जो फेरी है वो कितने खुश नसीब है, कितने खुशकिस्मत है, कितनी लकी है. शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड, क्योंकि हर किसी को ऑर्डर देना बहुत अच्छा लगता है. हर किसी को जो है ऑर्डर देना या किसी को जो है हुकूमत करना किसी को पर वो बहुत अच्छा लगता है. वैसे ही माइकल को लगा कि जो प्लांट फेरी है वो सबको ऑर्डर कर रही है, और ऑर्डर कर रही है तो उसको बहुत अच्छा लगा. तो उसने सोचा कि मैं भी क्यों ना किसी के ऊपर ऑर्डर करूं. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी. उसके बाद माइकल ने कहा कि नाउ आई वॉन्ट टू बी अ प्लांट फेरी. और उस दौरान बच्चे जो है वो बहुत हंसे. द चिल्ड्रन लाफ्ड. अब वो बच्चे क्यों हंसे, द बॉय फेरी. उनको लगा कि अब जो है वो यहां पर एक बॉय फेरी बनेगा. दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी. बट आफ्टर दैट द चिल्ड्रन दे आर रेडी टू टेक द ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी. माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली. अब जो नई प्लांट फेरी बन चुका था दैट इज द माइकल, और माइकल ने जो ऑर्डर किया वो क्या ऑर्डर किया कि गेट मी सम लीव्स क्विकली, मुझे कुछ पत्ते जो है लीव्स जो है उनको क्विकली फास्ट मेरे पास लेकर आओ. पर उसी दौरान जो दीदी थे उन्होंने क्या कहा, बट रिमेंबर यू आर नॉट प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स. पर एक चीज का खास ध्यान रखना कि आप लीव्स को प्लक नहीं कर सकते हैं, पत्तों को आप तोड़ नहीं सकते हैं. ये किसने कहा, ये दीदी ने कहा. द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स व्हिच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड. अब जो बच्चे थे वो फटाफट भागे, दौड़े फटाफट से. किस चीज के लिए दौड़े, कि हम फटाफट जाकर जो है वो पत्तों को, जो कि पत्ते जमीन पर गिरे हुए थे उन पत्तों को कलेक्ट करने के लिए वो फटाफट से दौड़े.
उसके बाद क्या हुआ बेटे, नेक्स्ट जो है जो ऑल द लीव्स है सिमिलर कलर्स शेप्स एंड मार्जिन. क्या जितने भी लीव्स हैं, सपोज हियर वी ड्रॉ द लीव, सपोज दिस इज द लीव, सो ऑल द लीव्स दे हैव द सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर एंड सेम मार्जिन. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. ऑल द लीव्स दे डू नॉट हैव द सेम शेप, same color as well as same margin, because all the leaves they have different shapes, different colors as well as different margins. So here this is the leaf. और एक leaf इस तरह से हमारी, ठीक है, एक leaf जो है वो आपकी काफी छोटी सी हो सकती है. So it is possible that all the leaves they have the same shape and same size as well as same colors. No, it is not possible. Some leaves are just like this. So all the leaves they have the different margins as well as different colors as well as different shapes. So here there are varieties of the leaves, and all the leaves they have the different shapes, different colors as well as different margins. After that there I'm set. I did not know that there were so many types of leaf. मुझे नहीं पता है. I don't know that there are various types of the leaves. There are different types of, yeah, there are so many types of the leaves. Look, some are round, जिसमें से कुछ leaves जो होंगे they are round, some are long and some are triangular. That means all the leaves they have of different shapes. Some are round, some are triangular as well as some are long. That means all the leaves they vary in different shapes, different margins as well as different colors. Amu said they are so many different colors as well as, ठीक है, shapes different है, margins different है, साथ में ही उनके कलर्स जो हैं वो भी डिफरेंट हैं. सम आर लाइट ग्रीन, कुछ पत्ते जो होते हैं वो काफी हल्के रंग के होते हैं, लाइट ग्रीन कलर के होते हैं. कुछ जो होते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं. लुक एट देयर, सम लीव्स आर वेरी डार्क इन कलर, सम लीव्स दे आर लाइट ग्रीन इन कलर. दीज आर द लीव्स दैट आर लाइट इन ग्रीन. सम लीव्स आर वेरी डार्क इन कलर एंड सम आर इवन येलो. उनमें से कुछ जो है येलो कलर के लीव्स भी होते हैं. सम आर रेड लीव्स भी हैं. सम आर रेड लीव्स एंड सम आर इवन पर्पल लीव्स. सो ऑल द लीव्स दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. सम आर येलो, सम आर रेड, सम आर पर्पल, सम आर वेरी डार्क ग्रीन, सम आर लाइट ग्रीन. सो दैट मीन्स ऑल द लीव्स दे वेरी इन डिफरेंट कलर्स. सो देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज व्हाइट पैचेस ऑन इट. पर उनमें से एक लीव जो है वो ऐसा है कि जो ग्रीन है कलर में पर उसमें जो है वो व्हाइट कलर के क्या है, पैचेस है. लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इवन टू की हम शेप्स के बाद कलर पर आए, कलर के बाद हम ये कहेंगे कि जो उनमें से कुछ मार्जिन्स होते हैं लीव्स के वो भी डिफरेंट होते हैं. बिकॉज ऑल द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स दे आर नॉट ऑफ द सेम साइज, दे आर ऑफ डिफरेंट. सम आर हैव स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम आर अनइवन मार्जिन्स. दैट मीन्स some leaves have the straight margins and some leaves they have uneven margins, and some of these margins even look like a saucer shabnam. Ammu and Shabnam shouted together. Unme se Ammu aur Shabnam jo the wo dono milkar jo tha unhone kya kiya, shout kiya, we also want to be the plant fairy. After the Michael, Shabnam as well as Ammu, both of them they shouted with each other. एंड क्या कारण था उनका शाउट करने का, वी ऑल्सो बिकम अ प्लांट फेरी, हमें भी प्लांट फेरी बनना है. एंड आफ्टर दैट दीदी रिस्पॉन्ड, या दीदी ने क्या कहा, नॉट टूडे मे बी नेक्स्ट संडे. आज तो आप प्लांट फेरी नहीं बन सकते बट बिकमिंग नेक्स्ट संडे यू बिकम्स, बोथ ऑफ यू बिकम्स अ प्लांट फेरी. इट इज टाइम टू गो होम. अब जो समय है वो हमारा घर जाने का समय है. ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन. घर वापस जाते हुए दीदी ने सबके लिए एक पोएम जो थी वो रिसाइटेड की. एंड दिस इज द पोएम दैट इज टू बी रिसाइटेड बाय द दीदी फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द किड्स. एंड दिस पोएम इज बाय विजेंद्रा पाल सिसोदिया. एंड दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द लीव्स. तो आप इसको देख सकते हैं, ये पोएम जो है वो लीव्स के ऊपर based है. and this poem is to be by the Vijendra Pal Sisodia,
and this poem is only for the leaves. Leaves के ऊपर ये poem है. अब बेटे हम shift करेंगे questions part पर. अब इस chapter में कौन कौन से आपके questions हैं? अभी हमने detail में इस chapter को thoroughly पढ़ लिया, plant fairy को, जिसमें जो main character था वो दीदी का था, जिन्होंने जो एक game बच्चों के साथ खेली या जो खेल खेला वो कौन सा खेल खेला उन्होंने, गेम खेला उन्होंने प्लांट फेरी का. जब बच्चों को गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो माइकल ने भी रोल जो है वो प्लांट फेरी का अदा किया, और उनमें से कुछ और बच्चे थे जिनको वो गेम और बहुत अच्छी या बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो उसके बावजूद शबनम और अम्मू जो थे उन्होंने भी ये कहा कि हम भी प्लांट फेरी का रोल अदा करेंगे. तो इसमें जो चैप्टर में हमने पढ़ा कि जितने भी आपके प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं, दे आर नॉट ऑफ द सेम साइज, सेम शेप एंड सेम कलर, एज वेल एज जो लीव्स होती हैं वो भी सेम कलर की नहीं होती है. सम लीव्स आर डार्क ग्रीन इन कलर, सम लीव्स आर लाइट ग्रीन इन कलर, सम लीव्स आर येलो इन कलर, सम लीव्स आर पर्पल इन कलर, एंड इवन सम लीव्स आर सच लाइक दैट दे हैव व्हाइट पैचेस ऑन देम, एंड इवन दे ऑल्सो वेरी इन द मार्जिन. जो लीव्स होते हैं एंड दीज मार्जिन आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट लीव्स. सम मार्जिन्स आर जो है अनइवन होते हैं और सम मार्जिन्स जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं. तो यही इस चैप्टर में हमने आज पढ़ा है प्लांट फेरी में. नाउ वी शिफ्ट टू द एक्सरसाइज पार्ट दैट इज रिलेटेड विद दिस चैप्टर, एंड इन दिस चैप्टर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. कैन यू नेम द प्लांट on which Didi was sitting. So here, the plant on which Didi was sitting, the Didi was sitting on the grass. Yes, we know the name of the plant on which Didi was sitting, and that plant was, kaun sa hai bete wo? The name of that plant was grass. Kaun sa plant hai bete? Grass. The name of that plant was grass. तो हम उस plant का नाम लिख सकते हैं. कौन सा नाम है इस plant का बेटे? The name of that plant was grass. So this is the first answer. Now next question is, your next question is, have you seen a tree with a trunk as thick as one shown in the picture? आपने अभी पिक्चर्स में देखा कि एक प्लांट जो है जिसका ट्रंक जो है वो बहुत थिक है, और एक प्लांट जो था जिसका ट्रंक जो था वो बहुत थिन था. तो हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन दैट इज शोन इन द पिक्चर? यस, द बनियान ट्री नियर द पार्क नियर माय हाउस. क्या कहा? यस, हमने वो प्लांट देखा है जिसका ट्रंक जो है एज थिक एज है, एंड दैट प्लांट इज द बनियान ट्री. कौन सा है बेटे? बनियान tree, banyan tree. This is the plant whose trunk is thick as one that is shown in the picture, and this banyan tree is near my house. As the trunk which has the trunk, yeah, has a trunk which is as thick as the one given in the picture. मतलब यहां पर क्या कहा कि हाँ, मैंने वो प्लांट देखा है जिसका ट्रंक जो है वो बहुत मोटा है, जो कि एक पिक्चर में दर्शाया गया था. पर वो प्लांट कौन सा है? दैट प्लांट इज नोन एज अ बनियान ट्री, एंड दैट बनियान ट्री इज सिचुएटेड नियर द नेबरहुड. इन माय हाउस हैज अ ट्रंक विच हैज अ थिक एज द वन गिवन इन द पिक्चर. जो कि इसकी ट्रंक जो थी वो इतनी थिक थी जितनी की पिक्चर में शो की गई है. Now we shift to the next question, and the next question is your question number 3. Do all the leaves have similar colors, similar shapes and similar margins? No, it is not possible. All the leaves, they do not have the similar color, similar shapes as well as similar margin, because all the leaves, they vary in their colors, they vary in their shapes as well as they vary in their margins. Look at this picture, and this is the picture. आप इस पिक्चर को देख सकते हैं. देर आर सो मेनी लीव्स दैट इज टू बी शोन इन दिस पिक्चर, बट ऑल द लीव्स दे वेरी इन देयर कलर्स, दे वेरी इन देयर शेप्स एज वेल एज दे वेरी इन देयर मार्जिन. नो, सम लीव्स आर बिगर. दिस लीव इज
bigger. So some leaves they are bigger and some leaves they are smaller, and all the leaves they have different shapes and different colors. So yahan hum likh sakte hain all the leaves they have different, all the leaves, all the leaves they have different shapes, different shapes and colors. Now we shift to the next question, and your next question is, collect a few leaves of the plants. Like कौन कौन से plants हैं जिनकी आपको leaves को collect करना है, such as lemon, lemon की leaves को collect करेंगे, mango, neem, tulsi, mint, coriander, locals का जो common name है that is pudina, mint उसका common name है पुदीना, और coriander का धनिया. Crush the leaves and smell them. आप सभी को क्या करेंगे, क्रश करेंगे अच्छे से, उनको अच्छी तरह से कूटेंगे. क्रश करने के बाद उनकी स्मेल को आप क्या करेंगे, जज करेंगे. Do they as smell alike? क्या उनकी स्मेल जो होती है वो मिलती जुलती है? Can you identify the leaves just by their smell? क्या आप लीव्स को जस्टिफाई कर सकते हैं उनकी स्मेल के द्वारा? No, they don't smell alike. क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम सभी की लीव्स को क्रश करें और सभी की स्मेल जो होगी वो एक जैसी होगी. दे डोंट स्मेल अलाइक, उनकी स्मेल जो होगी वो एक जैसी नहीं होगी. यस, सम ऑफ द लीव्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर स्मेल, पर उसमें से कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनको हम उनकी स्मेल के द्वारा क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. डिफरेंट लीव्स गिव डिफरेंट स्मेल्स, डिफरेंट डिफरेंट लीव्स जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स देंगे. ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट लीव्स होंगी वो सेम स्मेल देंगे, बिकॉज ऑल द डिफरेंट लीव्स दे हैव डिफरेंट स्मेल. वी कैन आइडेंटिफाई सम ऑफ द लीव्स बाय देयर स्मेल, पर उसमें से हम कुछ लीव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी स्मेल के द्वारा. किसके द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटे, उनकी स्मेल के द्वारा हम उनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So we differentiate or we identify some leaves with their smell. Now we shift to the next question, and your next question is question number 5, and your question number 5 is, look at the rubbing made by the others. Are the rubbing of different plants similar? No, the rubbing are different. No, the rubbings are different. Other rubbings are different. Now next question is, which leaf give a good rubbing? कौन सा leaf ऐसा है जिसकी बहुत अच्छी rubbing होती है? The leaves which are rough in texture, those leaves which are rough in texture give a good rubbing. That means those leaves which gave a rough rubbing. That means those leaves gave a good rubbing. तो वही leaves जो है वो हमें good rubbing देते हैं, जो कि leaves जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रफ होते हैं टेक्सचर में. दोज लीव्स गिव अस द गुड रबिंग. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ शिफ्ट टू द सेवेंथ क्वेश्चन, एंड योर सेवेंथ क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट एंड व्हाई? आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन. इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट एंड व्हाई? रबिंग इज डिफिकल्ट ऑफ द ट्रीज विथ सॉफ्ट टेक्सचर. अभी भी मैंने ऊपर कहा कि कौन से लीव्स ऐसे हैं जिनका की रबिंग जो होती है वो गुड होती है. तो उन लीव्स की, प्लांट्स की, या उन लीव्स की रबिंग जो होती है वो गुड होती है जिनका टेक्सचर कैसा होता है, रफ होता है. तो यहां पर रबिंग जो होगी वो डिफिकल्ट किन लीव्स की होगी जो कि टेक्सचर में कैसी होगी, सॉफ्ट होगी. सो रबिंग इज डिफिकल्ट ऑफ द ट्रीज विच हैज सॉफ्ट टेक्सचर ट्रंक, जिनका की टेक्सचर
जो होगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट ट्रंक का होगा। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अशोका, मैंगो ट्री, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनका की जो ट्रंक होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। दिस इज बिकॉज द हार्ड टेक्सचर सर्फेस आर इजियर टू बी इम्प्रिंटेड बाय रबिंग। इस वजह से जो हार्ड टेक्सचर होता है या रफ टेक्सचर होता है दैट इज टू बी इजियर टू बी इम्प्रिंटेड बाय द रबिंग। सो अ रफ सर्फेस मेक्स इट इजी टू गेट एन इम्प्रिंट बाय द रबिंग। तो जो रफ टेक्सचर होता है वो क्या कर देता है, मेक इट इजी टू गेट एन इम्प्रिंट बाय द रबिंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दिस इज द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ द लीव्स फ्लावर्स ऑन देम। आपके पास एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर को आपने अच्छी तरह से देखना है, लुक करें उस पिक्चर में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। अब मुझे जो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो एक वॉल पेंटिंग दिखाई दे रही है, कारपेट दिखाई दे रहा है, बेडशीट दिखाई दे रही है, पिलो कवर्स दिखाई दे रहे हैं, कर्टन्स दिखाई दे रहे हैं, एक जो किड है, एक जो बच्चा है वो मुझे स्टडी करता हुआ दिखाई दे रहा है, बच्चे का जो पेंट है उस पर कुछ प्रिंटिंग सी जो है वो दिखाई दे रही है। तो उसके बाद क्या पूछा गया बेटे, विच है पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। तो आपको ये बताना है कि किस किस के ऊपर पैटर्न्स जो है वो लीव्स और फ्लावर्स का बना हुआ। तो सबसे पहले थिंग्स विच है पैटर्न्स ऑफ द लीव्स एंड द फ्लावर्स ऑन देम आर, सबसे पहले तो हम लेंगे बेटे पिल्लो कवर। कौन सा बेटे, पिल्लो कवर यहां लिखते हैं अब हम, कौन सा बेटे, पिल्लो कवर्स। नंबर वन पिल्लो कवर्स, सेकेंड पर कौन है बेटे, सेकेंड पर है हमारा वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग उसके बाद थर्ड जो है हमारा बेडशीट, बेड शीट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैट, नेक्स्ट है हमारा कारपेट, मैट कारपेट। उसके बाद कर्टन्स भी हैं बेटा, आफ्टर कारपेट द नेक्स्ट इज कर्टन्स। बुक, बुक के बाद नेक्स्ट कौन सा बेटे, गर्ल्स पेंट, गर्ल्स पेंट। तो यहां देख सकते हैं बेटे आप कि जो हमने इस पिक्चर में देखा उस पिक्चर में हमें क्या देख रहा है, वॉल पेंटिंग दिखाई दे रही है, पिलो कवर्स दिखाई दे रहे हैं, कर्टन्स दिखाई दे रहे हैं, बेडशीट दिखाई दे रही है, मैट दिखाई दे रहा है, कारपेट दिखाई दे रहा है, आफ्टर दैट कर्टन्स दिखाई दे रहे हैं, एंड वन किड दैट इज सिटिंग ऑन द बेड, बेड के ऊपर बच्चा बैठा हुआ है, एंड हर पेंट वो भी दिखाई दे रही जिसमें फ्लावर्स या लीव्स की जो है वो पेंटिंग है, पैटर्न है। तो ये सब चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू मस्ट हैव सीन मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज। आप तक आपने बहुत ज्यादा प्लांट्स और ट्रीज को आपने देखा होगा, एंड हाउ मेनी ऑफ देम यू नेम। आप उनमें से कितनों के नाम बता सकते हैं। आप रोजमर्रा अपनी जिंदगी में डिफरेंट प्लांट्स को देखते हैं, डिफरेंट ट्रीज को देखते हैं, पर ऐसा कुछ आपके माइंड में है कि आप कितने प्लांट्स के, कितने ट्रीज के नाम जो है वो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो सभी फ्रूट्स को खाते हैं, मैंगो का ट्री देखा होगा, ऑरेंज का ट्री देखा होगा, और कौन कौन से ट्री देखे आपने, बनियाना का ट्री देखा होगा, पीपल का ट्री है, नीम का ट्री है, अशोका का ट्री है, गुआवा का ट्री है, पोमोग्रेनेट ट्री है, एलोवेरा का ट्री है। तो ये सब ट्रीज जो है वो आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे। तो कौन कौन से बेटे, नंबर वन पर हम करेंगे मैंगो ट्री, ऑरेंज ट्री, बनियाना ट्री, पीपल ट्री, उसके बाद और कौन सा बेटे, गुआवा का ट्री हो गया, पोमोग्रेन ट्री हो गया, उसके बाद एलोवेरा का ट्री हो गया, अशोक का ट्री हो गया। तो इस तरह से आपने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और ट्रीज होंगे वो अपनी लाइफ में देखे होंगे। नाउ शिफ्ट टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड योर नेक्स्ट पार्ट इज आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हियर ऑफ बट नेवर सीन। कोई ऐसे प्लांट्स हैं जो आप जानते तो हैं पर कभी आपने देखे नहीं है, हियर किए आपने बट यू नेवर सीन, विच वंस, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कि आप हियर तो करते हैं, जानते तो हैं बट यू नेवर सीन इन योर लाइफ, जिनको कि आप अपनी लाइफ में नहीं देखा है। यस प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल,
cashew, almonds, cactus, all these plants we have here but we never seen in our life. तो कौन कौन से प्लांट्स बेटे हम नंबर वन नंबर टू पर लिखेंगे. फर्स्ट आपका कौन सा है, लाइक पाइन एप्पल है बेटे, पाइन एप्पल. दिस इज योर फर्स्ट प्लांट. सेकेंड वन इज कैश्यू. थर्ड वन कौन सा है बेटे आपका, आलमंड्स, बादाम का पौधा. And the fourth one is cactus. All these plants we have here, but we never seen. Next question, beta, ask some older people if there were plants which they have seen when they were children, but are not seen these days. अब इस question का मतलब समझे. Ask some older people. आपने किन लोगों को पूछना है जो कि ओल्डर बूढ़े लोग हैं. इफ देर वर प्लांट्स जो कि उन्होंने अपने समय में प्लांट्स को देखा है जब वो बच्चे थे बट दे आर नॉट सीन दीज डेज, पर उसको अब प्रेजेंट में वो नहीं देख रहे हैं, पर जब वो उस समय बच्चे थे उस समय उन्होंने उन प्लांट्स को देखा है बट प्रेजेंट में अब वो उनको देखेंगे तो वो प्लांट्स उनको नहीं दिखाई देंगे. तो कौन कौन से प्लांट्स है बेटे, तो नंबर वन पर कौन सा है, कौन सा बेटे, हर शिंगार पहला हो गया. एंड द सेकेंड वन इज कदम. एंड द थर्ड वन इज सिमल. तो ये तीन प्लांट्स हैं, जबकि जो ओल्ड पीपल अपने समय में जब वो बच्चे थे तो उस समय वो ये प्लांट्स होते थे, पर अब प्रेजेंट में वो प्लांट्स नहीं है. कौन कौन से, हरशिंगार, कदम एंड सिमल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्सो आस्क देम इफ देयर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दीज डेज बट विच वर नॉट सीन अर्लियर. आप ऐसे भी प्लांट्स बताने जिनको कि हम आज तो देख रहे हैं पर वो उस समय नहीं थे. तो कौन से बेटे, बोनसाई ऑफ वेरियस प्लांट्स, ट्यूलिप, रोज ऑफ डिफरेंट एंड अनयूजुअल कलर्स. कौन कौन से बेटा, बोनसाई ऑफ वेरियस प्लांट्स, ट्यूलिप, रोज ऑफ डिफरेंट एंड अनयूजुअल कलर्स. दीज आर द प्लांट्स दैट आर विच कैन बी सीन दीज डेज बट विच आर नॉट सीन अर्लियर एट दैट टाइम. नेक्स्ट है फ्रेंडशिप विद द ट्री. सभी की दोस्ती होती है पेड़ों के साथ, पौधों के साथ. सभी को घर में पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है, सभी की एक फ्रेंडशिप होती है. सो व्हाट ट्रीज इट इज, आस्क सम एल्डर्स इफ यू डोंट नो. ठीक है, तो एक ट्री का जिसके साथ हमारी बहुत अच्छे से एक फ्रेंडशिप हो जाती है तो उस ट्री का आपने नाम बताना है. तो दैट ट्री इज नोन एज ए, इट इज अ नीम ट्री. इट इज अ नीम ट्री. It is a neem tree. Now, shift to the next question. And your next question, यहां पर भी बेटी ये था color the leaves. ये leaves दी गई हैं आपके पास, different leaves हैं. Color the leaves made around them. आप उन colors कर सकते हो leaves को. Collect a few leaves of plants. आप कुछ plants के leaves को collect भी कर सकते हैं, such as lemon है, neem है, mango है, तुलसी है, मिंट है, कोरिएंडर है, या फिर आपके धनिया है. इन सब लीव्स को आप कलेक्ट करके इनको अच्छे से इनकी कलरिंग भी कर सकते हैं. सो यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक. आप इन ड्राई लीव्स को सच एज आप पुदीना बताया मैंने आपको, मिंट बताया है, तुलसी बताई है, कोरिएंडर बताया है, इन लीव्स को डिफरेंट लीव्स को आप कलेक्ट करके डिफरेंट एनिमल्स की शेप को भी आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं. सो दिस इज द picture of the different dry leaves and these dry leaves can be collected and after that you can make pictures of the different animals in your notebook. Next hai beta, ye isko bhi hum saath mein karenge. Rubbing down mein humne concept dekha ki kis tarah se rubbing ke concept ko kiya jata hai.
तो दीदी जो थी शी टॉट एवरीवन रिगार्डिंग द रबिंग दैट इज द प्रिंस. रबिंग क्या है? रबिंग इज द प्रिंस ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स. उन्होंने रबिंग के बारे में जो कहा वो किसके बारे में कहा? लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स के बारे में. ऑल यू हैव टू डू इट, इसके बारे में सब कर सकते हैं. सबसे पहले उन्होंने कहा कि टेक अ पेपर, एक पेपर लिया गया है एंड कैरियन ऑफ कलर पेंसिल्स लिए गए. दीज आर द कलर्स ऑफ द कैरियन पेंसिल्स. सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे? प्लेस द लीफ ऑन द टेबल. उसके बाद हम लीफ को प्लेस करेंगे टेबल के ऊपर और ऑन द ग्राउंड. आप टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर ग्राउंड के ऊपर भी रख सकते हैं. इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे, आपको इसको इस तरह से रखना है. इट विल बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइट ऑफ द लीफ दैट विद वेन्स इज इन द टॉप्स. ठीक है, दीज आर द वेन्स. ये बीच में वेन्स बने हुए थे. तो आपको लीफ को इस तरह से रखना है कि उनकी जो वेन्स हुए वो किस कहां किस तरफ को आए, दैट इज ऑन द टॉप, टॉप ऊपर की तरफ को आए. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ. लीफ के ऊपर हम क्या करेंगे? एक पेपर को रख देंगे. ग्राउंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पेपर रखा हुआ है, तो ग्राउंड में हम उस लीफ के नीचे क्या रखेंगे? पेपर को रखेंगे. फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? जेंटली रब द कैरियन और पेंसिल कलर. अब जेंटली हम क्या करेंगे? रब करेंगे कैरियन को या पेंसिल कलर्स को इस शीट के ऊपर. उसके बाद हम क्या करेंगे? बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव. आप जब उन कैरियन कलर्स को रब करेंगे पेपर के ऊपर तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो पेपर है दैट इज नॉट टू बी मूव, वो मूव ना करे एक जगह से दूसरी जगह पर. सिमिलरली एक और आप रबिंग कर सकते हैं. ट्रंक ऑफ द ट्री, दिस इज द ट्रंक ऑफ द ट्री. ये जो है दिस इज द ट्रंक ऑफ द ट्री. प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक. यहाँ पर एक पेपर है, उस पेपर को कहां पर रखा गया है? ट्रंक के ऊपर रखा गया हुआ है. उसके बाद क्या किया हुआ कि रब द कैरियन कलर्स. इसके ऊपर भी जो कैरियन कलर्स है उनको क्या किया गया है? रब किया गया है और कलर पेंसिल ऑन इट या फिर कलर पेंसिल्स को उसके ऊपर किया गया है. सो लुक, यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक. इस तरह से आप ट्री ट्रंक की एक रबिंग जो है वो बना सकते हैं. लुक एट द मेड बाय द अदर्स. इस तरह से आप इस तरह की रबिंग जो है वो दूसरों के द्वारा बनाई गई जो हो उसको भी आप दिखा सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा, विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम एंड व्हाट विल यू नेम इट? यस, आई विल नेम इट एज अ सेवियर ट्री. कौन सा ट्री है बेटा? सेवियर ट्री. एस A V I O U R. The name of that tree is Savior Tree. Next is, does the tree bear flowers or fruits? क्या जो trees होते हैं उनमें flowers या fruits होते हैं? Which ones? Yes, the tree bears both fruits and flowers. Both fruits and flowers. Yes, the tree bears both fruits and flowers. Next बेटे, how do the leaves of the tree look? किस तरह से जो tree के leaves हैं वो दिखते हैं? So the leaves of the tree are thin and pointed. Maximum cases में जो leaves होते हैं trees के, they are thin and pointed. काफी thin होते हैं और pointed होते हैं. So they are thin and pointed. Thin and pointed. Now, next question is question number 17. And your question number 17 is, do animals live in the tree? क्या जो animals हैं वो trees में रहते हैं? And which ones? Yes, squirrels, sloths, they live on the tree. These are the animals such as, कौन से बताए बेटे? Squirrels, squirrels, squirrels and sloths. These are the animals that lives on the tree. Next question is beta. Your next question is, look for the objects which have patterns of leaves and flowers on them in your house and write their names. So things which have patterns of leaves
which are patterns of leaves and flowers और पिलो कवर्स. पीछे भी कहा कि ऐसी पिक्चर्स जो है, अभी हमने पीछे भी एक पिक्चर देखी, उस पिक्चर को आपने देखकर ये बताना है कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो उस घर में फ्लावर्स और ट्री या जो पत्ते हैं वो वहां पर बने हो, उस चीज में कौन कौन सी चीजें जो थी वो थी आपकी पिलो कवर्स थे, वॉल पेंटिंग थी, बेडशीट, मैट, कर्टन्स, बुक एंड द गर्ल्स पेंट. नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव सीन मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू नेम. बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज जो हम अपनी लाइफ में आपने देखे हैं, तो उनमें से कितने प्लांट्स और ट्रीज के आप नाम बता सकते हैं. तो हमने मैंगो ट्री, अशोका ट्री, ऑरेंज ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री, एज वेल एज यूकलिप्टस ट्री, और ढेरों और ऐसे प्लांट्स या ट्रीज है जिनके हम नाम बता सकते हैं. गुआवा ट्री है, पोमोग्रीन ट्री है. सो ऑल दीज आर द ट्रीज that we can name easily. And next is, are there any plants that you have here but you never seen? ऐसे कोई प्लांट्स है जिनको आप हियर तो करते हैं पर आपने कभी देखे नहीं है. सो दीज प्लांट्स आर पाइनएप्पल, एप्पल, कैश्यू, आलमंड्स प्लांट्स, एज वेल एज आपका कौन सा कैक्टस प्लांट. नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप विद अ ट्री. सो वट इज अ ट्री या वट ट्री इट इज, आस्क सम एल्डर्स. तो इसको आप नीम ट्री है, नीम ट्री की आप पिक्चर बना सकते हैं और इस पिक्चर किसी भी प्लांट की, सपोज करो अब यहां पर ये कोई प्लांट बनाया गया, सपोज दिस इज द प्लांट, ठीक है. अब उस प्लांट को आपकी जो आपने नेम है वो जस्टिफाई करना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लांट एंड दीज आर द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स, वेरियस रूट्स. So you name that plant, for example this is the neem as well as other plant, what is the name of the plant, to aapko wo naam plant ka likhna hai. Does the tree bear flowers or fruits? Yes, every plant bears the roots, bear the flowers and the fruits. Jo maximum plants hote hain wo flowers or fruits ko bear karte hain, and these are the various plants or the trees that can bear both the fruits and the flowers. And your last question is, how do the leaves of the tree look? ठीक है, तो किस तरह से होती है, the leaves of the tree are thin and pointed. पहले भी मैंने कहा कि maximum जो leaves होती हैं trees की वो thin होती हैं और pointed होते हैं. Maximum majority of the leaves of the trees and the plants, they are thin and pointed. Next question is, do animals live in the trees? Yes, the animals, they can live in the tree, such as squirrel, as well as sparrows, all of them, they live in the trees. So, yahan par ek picture di gayi hai bete. This is the picture. And draw the picture of your friend, tree below and color. Aapke paas different leaves hai, aur different leaves ke tarah, suppose this is your leaf and this is the leaf. This is the leaf. आप different different dry leaves को collect कर सकते हैं. उन different different dry leaves को collect करने के बाद आप एक animal की shape जो है वो draw कर सकते हैं. This depends upon the students how to draw the shape of an animal with the help of a dried leaves. So beta here, this is all about this chapter. And this chapter is related for the class 3rd and the subject is EVS and the name of the chapter is the plant fairy. इस chapter की हमने detail में जो translation है वो भी हमने कर ली है. इस chapter से related जितना भी exercise part था वो भी हमने कर लिया है. तो इस chapter को आप अच्छी तरह से translation से लेके उसके exercise part तक उसको आप अच्छे से सॉल्व करें. नेक्स्ट हम कल आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ, अदर सब्जेक्ट क्लास 3rd का ही हम एक और नया सब्जेक्ट लेंगे. तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कल जो वो एक और नई वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे.